हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं इनके जी महाराज सागर भाई। तो चलिए फ्रेंड, आज हम आपको बता रहे हैं, यदि किसी के घर में जो पुराने जमाने में घर में जो सबका घर में भूत रहते थे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहली बात कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, लेकिन एक ऐसा भूत है जिसका 12 नाम है। वो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि वह जो भूत है आपके इधर क्या बोलता है। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए, कमेंट मुझे नहीं चाहिए, मैं कमेंट नहीं देखना चाहता हूं। मुझे कॉल कीजिए, मेरा यहाँ पे स्क्रीन में नंबर रहता है। इतने लोग हैं, कभी कितने बार बोल चुका हूं मैं इस बात को कि नंबर यहाँ पे है, पूछो मत किसी को, डायरेक्ट कॉल करो। कोई फ्रॉडबाजी नहीं होती है, डायरेक्ट फोन मेरे पास रहता है, मैं डायरेक्ट फोन उठाता हूँ आदमी का। जो भी प्रश्न है मैं साफ साफ प्रश्न का उत्तर सुनना चाहता हूँ, प्रश्न सुनना चाहता हूँ, साफ साफ उत्तर देता हूँ। कोई लफजा तफजा वाला मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो यदि आपके घर में वह देवता है, वह भूत है जिसका मैं नाम ले रहा हूं आज, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा इत्यादि जितने हैं बंगाल में, तो उसको क्या क्या नाम से बताते हैं, ये मैं सबका नहीं बता सकता, आप लोग खुद समझ जाइएगा, ठीक है। अब मैं उसका थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि वो उसका क्या क्या लक्षण है। देखिए, वो उसका सबसे पहला लक्षण है कि आपके घर में यदि है तो आप अपनी बेटी का शादी कराते हैं तो आपके घर से आपकी बेटी के घर में भी चला जाएगा, वो वहां पे भी जाके पूजा ले लेगा वो, है ना। तो ये ब्रह्म पिशाच पुराने जमाने से रखा गया है। और यदि आपके घर में है और आपके माता पिता जो दादा दादी थे मर गए, आपके माँ बाप ने बढ़िया से समझा नहीं था, वो भी डेट हो गया, और घर में वो अगर उथल पुथल मचा रहा है बार बार। कई लोग कहते हैं कि मेरा भूत जो था ना गुरुजी, उसको गया जी ले गया था, पिंड पार दिया था ले जाके, यानी गया जी में भूत को ले जाके डाल दिया था। पर कहीं कहीं जाते हैं, गुरुओं से दिखाते हैं, तांत्रिक बाबाओं से दिखाते हैं, तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हारा भूत तो तेरा घर में ही है। तो कभी कभी होता है कि भूत को ले जाने वाले के अंदर सामर्थ्य होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए उसके अंदर, तब ले जा पाएगा भूत को। रस्सी है क्या बांध देगा, वो तो मंत्र से बंधन होता है ना। मंत्र से उसको बोला जाता है, पहले मंत्र से उसको खड़ा किया जाता है, फिर मंत्र के द्वारा उसको बांधा जाता है, बांध करके उसको वो कलश जो होते हैं चुकड़ी, उसमें उसको मंत्र के द्वारा डाला जाता है, फिर मंत्र मारने के बाद वो गया जाता है। ये सब जानना पड़ेगा, बिना जाने सब काम होता नहीं है फ्रेंड। तो क्या करना है अगर घर में है और काम नहीं कर रहा है, तो मैं आपको बताता हूं आज सरल नियम। आप लोगों को अगर परेशान कर रहा है, धन लक्ष्मी फलना रखना, आपके घर में जीव जंतु मर रहे हैं जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, खैनी चूना लटाते हैं ना, खैनी चूना जो होती है, चूना लेना है आपको, और काजल जो लेडीज लोग लगाती है, काजल लेना है, ठीक है। चूना और काजल आपके घर के चार कोना सबके होते हैं, तीन चार मतलब पांच कोन किसी किसी का हो जाता है, तो घर के चारों जो कोन होते हैं सब में पीछे तरफ दीवार में ऐसे ऐसे घींच देना जाके, दो दो टीका, ठीक है। और वहां पे रात में करना, कोई देखे नहीं, बस वहां पे जाके जिसको ब्रह्म पिशाच बोला जाता है, उसी का नाम डैनभूता है, उसी का नाम अजरेली कजरेली है, उसी का नाम जो है सो ब्रह्म पिशाच जो हमने बता ही दिया, ढाण ढाणिन है, उसी का नाम मैंने बताया ना आपको, 12 नाम है उनके। तो उसी प्रकार मैं वैसे सब बता ही दूंगा, कई लोग कहते हैं पर मैं आपको बता सकता हूं, मैं सब बता दूंगा। तो कहने का मतलब है कि इतने नाम है तो अलग अलग राज्य में उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, और वही पिशाच जो है घर में सबसे ज्यादा आदमी को तंग करता है, जो डायन होती है उसी पिशाच के द्वारा किसी को भी मारण क्रिया करती है, किसी को भी, जैसे कटहल का पेड़ हो तो उसको तीता कर दिया, पेड़ हो उसे मार दिया, गाय जब दूध दे रही है अच्छा खासा उसको जाके दूध को खराब कर दिया, तेल बंधन कर दिया, बच्चे को रुला दिया, ये सब करने वाला कौन सा भूत है? तो ये सब करने वाला केवल यही भूत है जिसका नाम ब्रह्म पिशाच है, जो कि सेंट्रल नामों के द्वारा जाना जाता है इसे ब्रह्म पिशाच को। उसे इत्यादि अपने अपने भाव, अपने अपने गाँव में अपने अपने हिसाब से उसका नाम अलग अलग चीज रखा है, ढाण ढाणी रखा है, अजरेली कजरेली रखा है, तो इस प्रकार का नाम अनेक प्रकार से उसको रखा है। तो ये लेडीज के पास भूत रहते हैं जो डायन मंत्र जानती है, जो डायन जानती है। तो कई कई कहते हैं कितना बड़ा बाबा बन गया है तुम, तुमको सब कुछ पता है। मुझे पता नहीं है तो मैं ऐसे बोलता हूँ बेटा, पता तुझे नहीं है जो तुम मेरे द्वारा सीख के अपने यूट्यूब पर ना फैलाते हो तुम लोग। तो कहने का मतलब एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं तुम ऐसे हो, मैं जैसा हूं मैं किसी का गुण लेना नहीं जानता, मेरे पास जितना है पर्याप्त है। दूसरी बात,
तुम चंदन नहीं लगाते हो, तुम माला नहीं पहनते हो। भोपू कहेगा चंदन और माला में इतना दम रहता तो आपको समझ में आना चाहिए। ये सब तो एक भेष बनाने के लिए है, ठगने के लिए है। अगर तुम लोगों को इतना ही अच्छा है, कई और एक दो आदमी कह रहे थे गुरु जी आप कैसे दिखते हैं, आप कुछ बाबाओं की तरह नहीं, काला कपड़ा पहन लेंगे गुरु जी तो आप बाबा जैसा लाएंगे, तांत्रिक जैसा लाएंगे, लगते है ना। इसीलिए वो लोग ऐसे ऐसे रोल बना करके इतने भुचुंग वाले बना लेते हैं ऐसा ना। काला कपड़ा, इतने मोटे मोटे माला धारण, इतना मोटा मोटा चंदन लगा लेता है और भेष से ही तो भीख मिलता है। और उसी को देख करके आप लोग उसके गूगल पे फोन पे में तड़ातड़ डाल देते हैं ना। और बाद में हमको फोन करके कहते हैं गुरु जी क्या पैसा वो लौटाएगा। बाबूजी जिसने पैसा आपसे ले लिया ना, इस जन्म में नहीं, सात जन्म में नहीं लौटाएगा वो। तो पैसा किसी को देंगे सोच समझ कर देंगे, ठीक है। और दूसरी बात मैंने जो बताया आपको, मैं आपको बताता हूं आपकी देवता को जागृत करने का, पूरा गारंटी लेता हूं मैं, मेरे विधि के द्वारा अगर आप करते हैं तो पक्का जागृत हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो आप लोगों को बताता हूं, बंधन करने का मंत्र दिया हूं, लेकिन आप लोग केवल गलत चीज के लिए उपयोग करते हैं। इतना मेरा एक साल हो गया, कितना आदमी मुझे बता सकता है कि आपने गुरुजी गलत किया है। मैंने करने के लिए कहा मैं क्यों करूंगा, दुश्मनी तो आपका उससे है, मेरे से तो नहीं है ना, मैं फिर उसका क्यों बलिदान दे दूं। तो फ्रेंड सोच समझ करके कोई काम करें।